नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर का दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव आजम खान के घर गए और उनके परिवार से मुलाकात की। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने ये दौरा आजम खान की मोहब्बत के खातिर किया या असदुद्दीन ओवैसी के खौफ के कारण, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान की मिलने की खबर सुनी है, तब से अखिलेश यादव के होश फाकता हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी आजम खान के पास सिर्फ खबर पहुंचाई थी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही अखिलेश यादव बिना डोर की पतंग की तरह रामपुर खींचे चले गए। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक से घबराए अखिलेश यादव आजम खान के घर रामपुर पहुंच गए। आजम खान के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी और शहर की विधायक तंजीन फातिमा से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान के बड़े बेटे मोहम्मद अदीब और उनकी पत्नी सिद्रा भी मौजूद थी। मीडिया को मुखातिब करते हुए अखिलेश यादव आजम खान की हिमायत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट के बाद यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आजम खान को फंसाने के लिए क्या कांग्रेस के नेता शामिल नहीं थे? क्या कांग्रेस के नेताओं ने FIR दर्ज करवाने के लिए चिट्ठियां नहीं लिखवाई? हम भरोसा दिलाते हैं कि आजम खान पर जितने भी झूठे मुकदमे लिखे हैं, अदालत उनकी मदद करेगी और जब हमारी सरकार आएगी तब हम कोर्ट में अपने वकील खड़े करके आजम खान का साथ देंगे। आपको बता दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आजम खान और उनके परिवार की जमानत को रद्द करने की बात यूपी सरकार ने कही थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विकास को विनाश बनाते हैं क्योंकि कोई भी सुंदर चीज उनको अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग कोई भी अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जानबूझकर सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है, लेकिन जनता तैयार है, जिस दिन मौका मिलेगा इस सरकार को हटा देगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख शुक्रवार को आजम खान के परिवार से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे। बरेली होते हुए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान आजम खान के आवास पर पुलिस सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी गए और पत्रकारों को वहां संबोधित किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी? विधानसभा में कहते हैं ठोक देंगे और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।